हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 9:30 बजे से स्टार्ट। तो टाइम हो रहा है 9:30 और मैं आई थी घास के लिए। और मौसम की जहाँ तक बात की जाए तो मौसम बहुत भयंकर हो रखा है। कभी भी बारिश आ सकती है। चारों तरफ से कोहरा कोहरा आ रहा है और बादल लगे हुए हैं और कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैं यहाँ अपने ये गैथ बो रखे हमने, देखो। तो ये गैथ का ना, जो मतलब गैथ में आ रहा होता है ऐसा घास, इसको काटना होता है, नहीं तो चूहे वगैरह नाश कर देते हैं। जैसे इधर से काट रखा है ना, तो नीचे नीचे का मतलब जो गैथों पे अटैच हो रहा होता है उसको काटना पड़ता है, नहीं तो चूहे नहीं रहने देंगे फिर कुछ भी। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा घने गैथ हो रखे हैं। हमने जब गोड़े थे ना, तो हमने बहुत सारे उखाड़े भी थे कि ज़्यादा हो जाएंगे करके, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ही हैं। पर अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो अब देखते हैं कैसे कैसे होते हैं ये। और अभी मैं आई हूँ घास के लिए और दी घर पे है गोलू के साथ और पापा भी। तो दी निकालेगी गोबर छन्नी का, बैल बकरियों की छन्नी का। और मेरे को बोला है कि तू घास काट के रखना, फिर दी आएगी लेने। तो मैं जितना काट पाऊँगी अपने लिए और दी के लिए, क्योंकि यहाँ से ना हम ऊपर को चढ़ाई में जाते हैं, ये नीचे खेत है हमारे, तो ऊपर चढ़ाई में जाना पड़ता है, तो चढ़ाई में ज़्यादा नहीं ले जा पाते हैं। और वैसे भी आजकल का घास ना भारी होता है, तो इसलिए, क्योंकि हरा भी होता है और उनमें पानी भी अटका होता है। देखो रात को बारिश हुई होगी ना, तो उसकी बूंदें अटकी हुई है, तो गीला गीला होता है तो भारी होता है और हरा भी होता है, तो इसलिए भी तो चढ़ाई में नहीं चढ़ पाते हम। तो मैंने कहा 5-5 6-6 पूले काटूँगी दोनों के लिए और ले आएंगे फिर। तो दीदी जब तक गोबर निकालती है तब तक मैं यहाँ आ गई थी। मैंने कहा मैं काट लेती हूँ, तब तक आप गोबर निकालो, मैं घास काट के रखूँगी, आप मैंने कहा आना लेने घास। तो आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो चलो पहले मैं घास काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो टाइम हो चुका है 5:30 और मैं अभी जा रही हूँ यहाँ घर के नीचे घास के लिए। थोड़ी सी छीमी गोड़नी रह रखी है, उनको दी गोड़ेगी और मैं घास काटूँगी, क्योंकि मैं दराती लेके आई हूँ, मैं कुदाल नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि कुदाल वहीं छूट रखा है हमारा जहाँ हम कल गए थे, मतलब मेरा गलती से छूट गया, तो वहीं है। और सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि जब मैं घास के लिए गई थी तो वहीं जैसे मैंने घास वास काटा तो झमाझम बारिश होने लग गई थी। तो फिर मैं घर आ गई, मतलब घास लेके घर आ गई। फिर मैं घर आके नहाई और खाना वाना नहाई, कपड़े वपड़े धोए, मेरे और गोलू के थे, कपड़े वपड़े धोए, उसके बाद खाना वाना खाया और फिर बर्तन वर्तन धोए और बस हो गए। पता नहीं मुँह पे क्या जा रहा है, मच्छर पता नहीं क्या है, और इतने मच्छर हो रहे हैं ना यहाँ कि खाएँगे मेरे को अब। तो चलो आप अभी बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। उधर जा रही हूँ मैं घास के लिए, इधर हमने गुड़ाई कर रखी है और परसों का घास भी काट रखा है, तो इधर सही लग रहा है, साफ साफ सा। और उधर गुड़ाई भी रह रखी है और घास काटना भी रह रखा है। तो चलो मिलती हूँ मैं भी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो टाइम हो चुका है 6:30 और मैं पहुंच गई हूँ अपनी छन्नी में, घास ले आई हूँ मैं। और भैंसे पापा ने निकाल दिया बाहर, अब गोबर निकालना बाकी है, तो मैं गोबर निकाल देती हूँ। आज जल्दी आ गई हूँ मैं, क्योंकि यहीं पे थे हम और घास ही काटा मैंने, और दीदी ने गुड़ाई कर दी और अब थोड़े से झिकड़े डालने थे तो वो डाल रही है। तो मेरे को बोला कि तू चल करके, मैंने कहा ठीक है मैं गोबर वगैरह निकालती हूँ तब तक। तो चलो पहले निकालती हूँ गोबर, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है।